कितना टाइम हुआ? नहीं तुम्हें आया, कितना टाइम हुआ? एक घंटा ऐसे। सो सॉरी, पता है मेरी बस हो गई, अच्छी रोकी गई थी। किसने? अरे वही कोई मोर्चा था एमजी रोड पे। उफ, वैसे भी सबवे कंस्ट्रक्शन के लिए म्यूनसिपैलिटी वाले ने रोड बंद करके रखा है, पूरा मेकअप धुल गया। तुम्हारे इंटरव्यू के लिए जाना है। किसका मोर्चा था? अरे वो ये नाम बंदा कौन है? अन्ना गांधी जी। अन्ना आजाद। हाँ भाई, उसी के सपोर्ट में पूरी यूथ रैली पूरा रास्ता जाम कर दिया था। बता तुम क्या लगते थे कोई इस बारे में? ये जो उसका करप्शन के अगेंस्ट का स्टैंड है, आई को सपोर्ट करा। बताओ कौन सी ऐसी बात थी तुम फोन पे नहीं बता सकते? करप्शन को सपोर्ट नहीं बताना चाहते? करप्शन जरूरी है, लेकिन भगवान भी उसी को हेल्प करता है जो उसकी प्रार्थना करता है। आई बिलीव इन गॉड, आई बिलीव इन करप्शन। अब बताओ कैसी कौन सी बात थी कि यहाँ पे बुलाया? प्लीज अभी मत बोलना कि आई लव यू। पर मैं तुमसे प्यार तो बोल चुका हूँ पहले भी। बोल। हाँ क्या तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो कि ये सब पहली बार हो रहा है? गर्मी हो गई ना, बहुत स्लाइस लगी। सुनो, मैं आज कल तुमसे नहीं मिलूंगी, ठीक है? थक गई तुम्हें ना बोलकर। तो हाँ बोल देना फिर। ये डायलॉग तुमने लास्ट टाइम मारा था। मैं तो नहीं थका तेरे से ना सुन सुन। पर मैं तुम नहीं हो ना। देखो स्लाइस भी थे और ये सब एक अच्छे नोटे को बनाते थे। शुरू मत करना है। मिलना बंद नहीं करते थे। वैसे ही मेरे कजिन ने पहले ही मुझे बोला था कि तुमसे ना मिलो। क्यों? मिलने से तुम्हें एक झूठी होप मिलेगी कि मैं आखिर में मान जाऊँगा। झूठी होप? तेरा कजन सुना नहीं ना कभी तेरे मुंह से? क्या करता है? कौन है? एडवर्टाइजिंग। वैसे भी तुम्हें क्या फर्क पड़ता है वो क्या करता है? एडवर्टाइजिंग का बंदा बात कर रहा है जीपी होप के बारे में। एडवर्टाइजिंग का बंदा सुने, ये कोई बरखा का टॉक शो नहीं है, बहुत ही सिंपल सी बात है। मैंने तुम्हें बहुत प्यार से समझाया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करूँ, पता नहीं क्यों तुम इसको मानने के लिए। पर मैं तो एक लोअर मिडिल क्लास का इंसान हूँ ना, मैं तेरी बात कैसे समझूंगा? मैं थोड़ी ना रणबीर कपूर या इमरान खान जैसे कॉन्वेंट हिंदी के अंदर बात कर सकती। पता तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? बहुत सारे। किसकी बात कर रहे हो? ये तुम्हारी जो प्यार के नोशंस ना, ये शाहरुख की फिल्मों से, और ये जो अमीरी गरीब की आप यू नो ये स्टूपिड नोशंस, ये अमिताभ की फिल्मों से, और इसका सोल्यूशन भी तुम उसी से ढूंढते हो। अभी पता लगेगा सोल्यूशन कुछ नहीं। देख मैं मानता हूँ कि तू मेरे से प्यार नहीं करती, पर तू एक बार भी मान ले तू मेरे से प्यार करने की कोशिश भी नहीं करना चाहती। तो एग्जाम है क्या कि एक बार फेल होगा तो फिर से ट्राई करो? हाँ कुछ नहीं होगा। हाँ मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ अपने आप। अच्छा तो पहले न्यूज़ रीडिंग करना चाहती थी ना, न्यूज़ कंपनी में ज्वाइन कर ली तूने, फिर क्या हो गया था तेरे को? क्यों एमबीए का एग्ज़ाम क्यों देना था? चलो एमबीए का कोर्स भी शुरू हो गया, वो भी बीच में छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि कॉल सेंटर के अंदर नौकरी लग गई, वो भी लोकल कॉल सेंटर। अब तू वो छोड़ के किसी म्यूज़िक बैंड की मैनेजर बनना चाहती है? क्यों? ताकि आगे जाकर फोटोग्राफी के अंदर कोर्स कर सके। और तेरा कहना है कि ये फिर कोर्ट केस है। मैं और क्या कह रहा हूँ, तू दलीलें दे रही है तो इसमें हम मना कर देंगे। ठीक है, नो दलील। ऑल आई वांट टेल यू हड़ में जाओ। चल अच्छा सुन, दो मिनट दे मेरे को, बात खत्म कर। नॉट इंटरेस्टेड। दो मिनट मैगी बनाओगे? ऐसे बहुत सारे दो मिनट ना हो चुके हैं हमारे बीच। HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, which is a solution of hydrogen chloride in water that is highly corrosive, strong mineral acid with many industrial uses. It is found naturally in gastric acid. It has numerous smaller scale applications including household cleaning, production of gelatin and other food additives, descaling and leather processing. ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? ये विकिपीडिया के अंदर ऐसे है। और पाकिस्तान वालों में इसका कैसे यूज़ किया जाता है? कोई औरत अगर बुर्का पहनने से मना कर देती है ना तो उसका मुँह से धो देते हैं।
और अपने भारत के अंदर और तरीके से यूज़ करते हैं। कोई निचली जात का इंसान अगर हदें पार कर देता है ना, अपना क्रॉस कर लेता है, तो उसका मुंह धो देते हैं। वैसे भारत में होता है, इंडिया के अंदर नहीं होता है। क्योंकि तेरे को लगता है हम तो कॉमन लोग हैं, हम तो कहीं दिखते नहीं है, कहीं मरे हुए नहीं दिखते, किसी न्यूज़ रिपोर्ट की भीड़ के अंदर भी नज़र नहीं आते। या तेरे को लगता है सिर्फ ये गुंडों के पास होता है एसिड, है ना? देखो क्या तुझे सच में लगता है कि मैं मान लूंगी कि इसमें एसिड है? बात तो वैसे सही है, बिल्कुल एसिड पानी बिल्कुल एक जैसा दिखता है। वैसे एसिड जब किसी के मुंह पे फेंको ना, 3 सेकंड तक कुछ नहीं होता, 3 सेकंड के बाद जो जलता है ना, बाद में बैठ जाओ। देख करना नहीं चाहता था मैं ऐसा, तू मेरे से करवा रही है एक तरह से। 25 का हो गया हूँ मैं, ये बढ़ती हुई कॉल सेंटर की नौकरियाँ, घटती हुई सरकारी नौकरियाँ नहीं कर सकती मेरे एम्बिशन को पूरा। नहीं है मेरे पास कोई पैसा कि मैं कोई बिजनेस शुरू करूँ, नहीं है मेरे पास कोई जिगर कि मैं अंडरवर्ल्ड के अंदर चला जाऊँ कुछ करूँ, नहीं है मेरे पास कोई टैलेंट किसी रियलिटी शो के अंदर चला जाऊँ। तो आखिरी होप है मेरे यार, तू भी ऐसा करेगी तो बोल। मेरी ना सुनने अच्छा है कि मैं मरी जाऊँ। वैसे तो एक बार सोच के देख, ऐसी से चल मान लिया तो मरेगी नहीं, तू ये बात सोच रही है? सुबह जब उठा करेगी ना, शीशे में अपनी शक्ल देखेगी, रोज यही दुआ करेगी काश मरी जाती मैं। तो तू क्यों ऐसी गंदी बातें कर रहे हैं? तो एक बार इसकी पॉजिटिव साइड भी तो सोच के देख। सोच के मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ कि आज तो हाँ करती मैं किसी भी हद तक जाऊँ तेरे को खुश रखने के लिए। जबरदस्ती जबरदस्ती करूँगा मैं। ये जो तेरे रणवीर कपूर इमरान खान है, ये जो डिस्को के अंदर नाचते हैं दीपिका और अनुष्का के साथ, ये नहीं तेरे से ज़बरदस्ती कर रहे, क्या कहते हो स्पेसिफिक टाइप के मैन से तेरे से तेरे को प्यार कराने के लिए नहीं ज़बरदस्ती कर रहे? वो तेरे लिए ज़बरदस्ती नहीं है, मैंने आज कह दिया, तेरे को ज़बरदस्ती लग रही है। साथ चल तू मेरे, पता है सबसे पहले मैंने तेरे को वहीं पर देखा था, खड़ी हुई थी तू पहाड़ी के ऊपर, सर्दी का टाइम था, शॉल ओढ़ रखी थी तुमने, फटी हुई थी थोड़ी सी पीछे से, फेंक दी वो सिगरेट पी रही थी तू, खांसी आ रही थी तेरे को बार बार, खांसती थी ना तू, तेरा सर ऐसे झूलता था आगे पीछे। तब से देख रहा हूँ मैं तेरे को, कॉलेज के लिए लेट होगी तो तू बस के पीछे भाग रही है, कॉल सेंटर की पार्टी से नीचे उतर के टल्ली होकर सड़कों पर उल्टियाँ कर रही है, पिकनिक में जा रही है तो बाहर खड़ी होकर टूथब्रश कर रही है, समीर के साथ फोटो खिंचा रही है, किस कर रही है उसको। तब से देख रहा हूँ मैं तेरे को, तेरे को पता नहीं है यार तू कितनी खूबसूरत है, और सिर्फ खूबसूरती वाली बात नहीं है और भी कुछ है। मैं नहीं किसी जेंटलमैन की तरह तेरे से बात कर सकता, नहीं आता मेरे को वो सब करना। इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि मेरे जैसा इंसान अगर तेरे से प्यार करता है तो प्यार नहीं हवस है, या हम जैसे लोगों को तुम जैसे लोगों से प्यार करना अलाउड ही नहीं है। नहीं आते मेरे को लव लेटर लिखने, नहीं आते कोई गाने गाने मेरे को, तो क्या हो गया? एक बार तू आज सोच ले, मैं तेरे आगे बैठा हूँ ना आज की डेट पे, इस दुनिया का सबसे लक्की इंसान हूँ मैं, और आज अगर तू मेरे को मना कर देती है ना, मैं इस दुनिया का सबसे अनलक्की बंदा बन जाऊँगा। नहीं है मेरे पास कोई डायलॉग राइटर के मैं लिखवा लूँ, कोई शाहरुख खान नहीं है मेरे पास जैसे सैफ के पास था कलोनाओ में, या साजन के अंदर था, सलमान खान के पास संजय दत्त। ये बहुत फिल्मी है, पता है तुमने जब वो लकी बंदे वाली बात की ना,
तो कुछ हो गया। मैं भी किसी बी ग्रेड हिंदी फिल्म की हीरोइन की तरह बात करी, पर चांस तेरे कहने का मतलब है पता है हम दोनों पागल हैं, पागल हैं हम दोनों। अच्छा बता क्या लेगी, स्लाइस है माजा तुम्हारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैंने तुमसे ना किया है, तुम्हारी यही प्रॉब्लम है कि दुनिया की किसी भी चीज़ ने तुमसे कभी हाँ की नहीं। And you were right, you know you're average, you know you're average, but you haven't still accepted it, that's your problem. I'm talking like a stupid person, I'm a class का teacher हूँ। मुझे लगता है जब तक तुम्हारे मुँह पे सीधा सीधा नहीं बोलूँगी ना मैं, तुम्हारे भेजे में घुसे गए नहीं, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। I got programmed to like some specific type of man by media, ना? क्या तुम प्रोग्राम नहीं हो मीडिया से, हाँ कि मेरी ना एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो तुम? स्क्रू यू मैन, आई कुड स्क्रू यू राइट नाउ बट आई विल नॉट, यू नो आई कुड ड्रैग इट टू द पुलिस बट आई विल नॉट। तुम पे ना गुस्सा नहीं आता मुझे, तरस आता है ना, स्वेयर आई एम गोना स्क्रू यू। पुलिस के पास इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि तेरे को मालूम है। अच्छा क्या मालूम है, क्या क्यों? एक बार मैं जेल चला गया तेरे को लगता है वापस नहीं आऊंगा कभी, और एक बार अगर वापस आ गया ना सोच ले कि मैं क्या हाल करूंगा तेरे। यही वजह है क्यों नहीं लड़कियां रिपोर्ट करती रेप को। एक दो